तो म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या मुसलमानों को हमारा पड़ोसी इस्लामिक मुल्क बांग्लादेश भी बोझ मानता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर यानी सोमवार को भारत दौरे पर आने वाली है। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर बात करते हुए शेख हसीना ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के लिए बहुत बड़े बोझ है। इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स उनके देश के लिए एक चुनौती बन गए हैं। तो शेख हसीना ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को चुनौती बताया है बांग्लादेश के लिए। तो म्यांमार से अपने गलत बर्ताव के कारण रोहिंग्या मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद ये एशिया के कई देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन्हें शरणार्थी के तौर पर जगह दी है। लेकिन जिस देश में भी ये जा रहे हैं वहां बोझ बन जा रहे हैं। अब बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क है और वो भी बोल रहा है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के लिए बोझ है, रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के लिए चुनौती बन गए हैं। तो भारत में भी रोहिंग्या मुस्लिमों को निकालने के लिए राजनीति आए दिन गर्माते रहती है। और शेख हसीना की बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कोई देश धर्मशाला नहीं है कि कहीं से भी शरणार्थी आएंगे और वो देश भरते जाएगा, क्योंकि एक देश की जनता को ही कुछ सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर से आने वाले शरणार्थियों को देश कहां तक देगा। तो ऐसे में शेख हसीना का बयान बिल्कुल सही है, रोहिंग्या बिल्कुल बोझ है और भारत को भी रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर कुछ कड़ी नीति अपनानी चाहिए और विचार करना चाहिए आने वाले दिनों में।